गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में देखा था वोल्केनो, ज्वालामुखी। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप। इसमें कई बिंदु हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भूकंप है क्या, दूसरी चीज़ इसको विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, किस में इसको मापते हैं, कितने प्रकार का है और कौन कौन सी तरंगे हैं। सबसे पहले हम ये हल करने की कोशिश करेंगे भूकंप क्या है। बहुत सारे भूगोल वेत्ताओं ने बताया है कि पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट जो है, पृथ्वी की सतह का किन्हीं कारणों से, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य कारण हो, हिलना या कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। तो सिंपल परिभाषा में हम कहें पृथ्वी की सतह का हिलना किन्हीं कारणों से, हम उसे अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। इससे पहले एक चीज़ और जाने, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अर्थक्वेक का स्टडी किस में करते हैं, तो उसका एक सीधा सा शब्द है सीस्मोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे हम सीस्मोलॉजी कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप को मापते किस में हैं, तो इस संदर्भ में दो पैमाने हैं, एक जो है मार्कोनी स्केल है और दूसरा जो है वो रिक्टर स्केल है। मार्कोनी स्केल में 12 पॉइंट्स हैं, एक से लेकर के 12 बिंदु हैं, जो केवल और केवल अनुभव पर आधारित है। अनुभव का आशय ये है कि कितना नुकसान होता है और कितना हानि हो रही है इस चीज़ पर। जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक रिचर्ड ने जिस स्केल का आविष्कार किया उसे हम रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं, और इसमें 9 बिंदु होते हैं, एक से लेकर के 9 बिंदु, और एक से अगर हम आगे बढ़ते हैं 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, तो इस 1 और 2 के बीच में भूकंप की तीव्रता का 10 टाइम्स अधिक होता है, यानी उसका परिमाण जो होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब उसकी संहारक क्षमता एक से दूसरे के बीच में 10 गुना अधिक होती है। फिर आते हैं हम भूकंप के कारण क्या होते हैं। सामान्य कारणों में सबसे पहला कारण होता है ज्वालामुखी की क्रिया। कल हमने आपको बताया था कि ज्वालामुखी आने से क्या होता है, विस्फोट होता है जिसमें से गैस, राख और मैग्मा निकलता है। उस फटने से क्या होता है, कंपन होता है और हिलता है, जिसको हम सामान्य शब्दों में अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। दूसरा इसका कारण दिया है प्लेटों की गतिशीलता। आप जानते हैं कि हमारा जो क्रस्ट है, भूपरपटी है, वो बड़ी बड़ी 9 प्लेटों पर आधारित है और वो गति करती हैं। गति करने से क्या है, कभी कभी वो आपस में टकराती हैं, जिससे क्या होता है, भूकंप यानी हिलती है पृथ्वी और वो भूकंप आता है। तीसरा जो आपका है, परमाणु और अणु बमों का टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, पृथ्वी कांपती है, हिलती है, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः, पहला कारण है वोल्केनो की एक्टिविटीज़, दूसरा है प्लेटों का मूवमेंट करना या मोशन करना, और तीसरा जो है वो आपका न्यूक्लियर बम्स का टेस्ट करना है, परीक्षण करना है। फिर हम आते हैं भूकंप की कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके भूगोल वेत्ता हैं उन्होंने क्या है, इसकी डेप्थ यानी गहराई के आधार पर 3 प्रकार के भूकंपों का वर्गीकरण किया है। जो क्या है, सामान्य भूकंप जो होते हैं वो क्या है, 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक गहराई में होते हैं, यानी उनका फोकस जो होता है, जो भूकंप का उद्गम पिंड बिंदु होता है, भूकंप का मूल होता है, वो पृथ्वी की सतह में 50 किलोमीटर तक की गहराई का होता है, उसे हम सामान्य भूकंप कहते हैं। दूसरा जो होता है मध्यम श्रेणी का होता है, मिडिल क्लास का होता है, जिसकी डेप्थ जो होती है वो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक होती है, भूपरपटी से मेंटल तक उसकी पहुँच होती है। और तीसरा जो होते हैं अत्यधिक गहराई वाले होते हैं, जो 250 से लेकर के 700 किलोमीटर तक वाले होते हैं, उन्हें हम गहरे भूकंप के नाम से जानते हैं। इस गहराई का मतलब कि
कि उसका जो फोकस है, भूकंप उद्गम का केंद्र है, वो 700 किलोमीटर यानी एक डेप्थ में देखने की कोशिश करिए। इसका जो होता है वो क्रस्ट तक का संबंध होता है, और इन दोनों का संबंध जो होता है क्रस्ट के साथ साथ मेंटल से भी होता है, क्योंकि आपको पता होगा भूपरपट्टी की गहराई 150-51 किलोमीटर तक है, और उसके नीचे 3300 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो मेंटल का है। तो सामान्य, मध्यम श्रेणी और गहरे श्रेणी के भूकंप गहराई के आधार पर हैं। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा भूकंप का अध्ययन चित्रों के माध्यम से करेंगे। हमने यहाँ पर देखा है कि ये भूकंप मूल, जिसे फोकस कहते हैं, ये भूकंप का उद्गम केंद्र होता है, और इसमें से क्या है, तीन प्रकार की तरंगें निकलती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव, जिसको हम लेमडा तरंगों के नाम से जानते हैं। आप चित्रों के माध्यम से देखेंगे तो क्या है, जो एक डायरेक्ट यानी सीधी रेखा जाती है उद्गम केंद्र से क्रस्ट को, जहाँ पर वो क्या है, बेधती है या फोड़ती है, वो जहाँ पर एहसास सबसे पहले होता है डायरेक्टली, हम उसको प्राइमरी तरंगे या प्राथमिक तरंगों के नाम से जानते हैं। और द्वितीयक तरंगे आप देखे होंगे, ये क्या हैं, सर्किल या सेमी सर्किल जैसे आपके सामने हैं, इन्हें हम क्या है, द्वितीयक तरंगे करते हैं। और जो लेमडा तरंगे या आपके सामने जो हैं वो क्या है, आप देख रहे होंगे सर्किल के साथ साथ इस प्रकार का उनका है, ये तरंगे सबसे क्या है, हानिकारक होती हैं, पृथ्वी की सतह को सबसे बुरे तरीके से प्रभावित करती हैं, और सबसे ज़्यादा जान और माल का नुकसान, संपत्ति का नुकसान इसी तरंगों से होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हमने सीखा भूकंप क्या है, भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, किस में मापा जाता है, और फिर कारणों में हमने बताया ज्वालामुखी, प्लेट की गति, परमाणु बम का परीक्षण, ये कैटेगरी हमने बताई, और चित्रों के माध्यम से जो भी प्रश्न हो उनको ग्रुप में शेयर करें। इसके साथ धन्यवाद।